हेलो एवरीवन, आपका अपने यूट्यूब चैनल भारत इंटरटेनमेंट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको यूपीआई पेमेंट के बारे में बताऊंगा। यूपीआई पेमेंट 31 दिसंबर से बंद हो जाएंगे। 1 जनवरी 2023 से आप पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे, अमेजन पे, इन यूपीआई ऐप का उपयोग आप नहीं कर सकते। इन ऐप से यूपीआई पेमेंट करेंगे तो आपका नहीं होगा। ये खबर क्या है दोस्तों, इसके बारे में बताता हूँ। तो लिखा हुआ है दोस्तों, देखिए स्क्रीन में, 1 जनवरी से बंद हो जाएंगे इन लोगों के गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम अकाउंट। एनपीसीआई ने नए निर्देशों की घोषणा की है जो यूपीआई आईडी इनएक्टिव कर देंगे, जिसमें गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे जैसे थर्ड पार्टी ऐप जिनकी यूपीआई आईडी ब्लॉक करने जा रहे हैं जो 1 साल से यूज में नहीं है। अगर 1 साल से आपने गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, जहां भी आप थर्ड पार्टी ऐप में यूपीआई बनाया है, अगर आप उसे यूज नहीं कर रहे हैं, 1 साल हो गया, तो आपका 31 दिसंबर से यूपीआई आईडी बंद कर दी जाएगी और 1 जनवरी से आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये खबर, इसके खबर में देखिए क्या लिखा है। नेशनल एनपीसीआई टू डिएक्टिव दिस यूपीआई आईडी। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने नए निर्देशों की घोषणा की है जो यूपीआई आईडी को इनएक्टिव कर देंगे। सभी बैंक और गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे जैसे थर्ड पार्टी ऐप उन यूपीआई आईडी को ब्लॉक करने जा रहे हैं जिनमें 1 साल से अधिक समय से कोई लेन देन नहीं किया गया है। 31 दिसंबर के बाद एनपीसीआई उन आईडी को ब्लॉक कर देंगे जिनसे पिछले साल कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। आइए बताते हैं इसके नियम के बारे में। किस यूपीआईडी को बंद कर दिया जाएगा? यदि आपकी यूपीआई आईडी से क्रेडिट या डेबिट नहीं किया गया है, अगर आपने 1 साल के अंदर कोई भी डेबिट या क्रेडिट का ट्रांजैक्शन नहीं है, तो वो यूपीआई आईडी आपकी बंद कर दी जाएगी। नए साल से ग्राहक इन आईडी से लेन देन नहीं कर पाएंगे। एनपीसीआई ने बैंकों और थर्ड पार्टी ऐप्स को इन यूपीआई आईडी की पहचान करने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया है। आपके संबंधित बैंक आपकी यूपीआई आईडी को निष्क्रिय करने से पहले आपको ईमेल या संदेश के माध्यम से एक मैसेज भेजेंगे। तो गलत व्यक्ति के खाते में पैसे ट्रांसफ़र होने से रोकने के लिए उठाया जा रहा है नियम। तो दोस्तों, ये गलत व्यक्ति के खाते से पैसे न भेज सके और गलत ट्रांजैक्शन न हो सके, इसलिए आपको एनपीसीआई ने एक कदम उठाया है। एनपीसीआई की को उम्मीद है कि इन नए नियमों से गलत व्यक्ति के खाते में पैसे ट्रांसफ़र होने से रोका जा सकेगा। हाल के वर्षों में इस तरह के कई मामले सामने आए कि लोग अक्सर नए फ़ोन से जुड़ी यूपीआई आईडी को निष्क्रिय करने के बारे में याद किए बिना मोबाइल नंबर बदल लेते हैं। किसी अन्य व्यक्ति को नंबर तक पहुंच प्राप्त हो जाता है क्योंकि कुछ दिनों से बंद है, हालांकि केवल पिछली यूपीआई आईडी से ही नंबर से जुड़ी रहती है। ऐसे में गलत लेन देन की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। नए नियम के बाद अब नया साल से इस खतरे को भय भी कम हो जाएगा। तो दोस्तों, ये खबर ये है कि अगर आपने कोई नंबर लिया और आपने उसमें यूपीआई आईडी रजिस्टर कर ली और गलती से आपने वो नंबर खो गया या बंद हो गया, आपने उस नंबर को दोबारा नहीं लिया और आपका यूपीआई आईडी उसी पे चलती रहेगी, तो आपका कोई फ्रेंड या कोई भी उस नंबर पे पैसे भेजेगा, उसके पास चला जाएगा, वो नंबर अभी बंद होने से दूसरे को चालू हो जाता है, जिससे आपका पैसा दूसरे के अकाउंट में चला जाएगा, जिससे आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए ऐसी यूपीआई आईडी को जहाँ पे कोई लेन देन नहीं है, एनपीसीआई बंद करने जा रहा है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऐसी यूपीआई आईडी को बंद कर देगा। 31 दिसंबर 2023 से 1 जनवरी 2024 से आप इस यूपीआई आईडी से आप कोई लेन देन नहीं कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये थी पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे जैसे दूसरे यूपीआई ऐप के बारे में खबर। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और किसी भी लाटेस्ट अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आपको मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच या अन्य कोई ऑफर आता है उसके बारे में आपको इस चैनल पे अपडेट की जाती है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और घंटी को दबा के रखें। धन्यवाद।